लास्ट एक महीने में काफ़ी सारे राइड्स किए, 3000 किलोमीटर का राइड किया। मैंने कुछ व्लॉग्स भी पोस्ट किए हम्पी का। गोकर्ण का व्लॉग अब तक आया नहीं क्योंकि देर वॉज सम इशू विथ माई डेटा कार्ड, एंड एक डेटा कार्ड मेरा करप्ट हो गया है, सो आई हैव लॉस्ट सम डेटा, आई एम ट्राइंग टू रिकवर इट, बट पॉसिबिलिटी 2% लग रहा है कि वो डेटा रिकवर होगा। आई हैव ट्राइड एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड चेक्ड विथ मल्टीपल पीपल इफ यू कैन रिट्रीव द डेटा, बट वो हो नहीं रहा है। सो अब मेरे पास जो बचा हुआ डेटा है मैं उससे व्लॉग बना रहा हूँ गोकर्ण का। सो वो व्लॉग मैं मोस्टली नेक्स्ट 2 दिन में पोस्ट करूँगा। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। जितने भी क्लिपिंग्स बचे हैं गोकर्ण और मुर्देश्वर का, आई ट्राई टू ऐड। एंड काफ़ी सीनिक लोकेशन था, काफ़ी अच्छा टाइम बिताया मैंने गोकर्ण और मुर्देश्वर में। सो होप करता हूँ आपको वो व्लॉग अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ डू एन्जॉय दैट व्लॉग एंड प्लीज़ डू शेयर इट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एडवेंचर लाइफ ऑन व्हील्स। एंड अब से कोशिश करूँगा कि अपने डेटा कार्ड को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रखूँ और चेक करूँ कि वो कहीं करप्ट तो नहीं हो गया है, विच एक्चुअली स्पॉयल्स, बिकॉज आप मेहनत करते हो व्लॉग बनाने के लिए व्हेन यू ट्रैवल, एंड देन जब आप वापस घर आते हो आपको पता चलता है कि आपका डेटा कार्ड नहीं चल रहा है, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सम थिंग्स गो वेल, सम डजंट। सो एन्जॉय द वीडियो, एंड जितना भी हो सकता है मैंने कंपाइल किया है, एंड प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। So I'll ride for another say about 84 kilometers till Satara, and I've booked a place there in Satara and stay in Satara tonight, and tomorrow morning I'll start from Satara and reach Gokarn by afternoon. Good morning from Satara. So I spent my night सतारा में, कल निकला था शाम को, सो टाइम चेक इट्स 6:15 नाउ, और अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप वुड बी कोल्हापुर। कोल्हापुर से 12 किलोमीटर आ गया के जस्ट स्टॉप, भूख उतना लगा नहीं था बट ऐसा लगा कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो विट्ठल कामत मिला जस्ट बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, तो आई एंटर्ड कर्नाटका नाउ। सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं सुबह सुबह, इडली वड़ा और डोसा, और उसके बाद फिर आगे अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी अच्छा है जगह, और टेस्ट वाइज साउथ इंडियन फूड इज़ गुड, सो जस्ट एंजॉइंग दैट, एंड देन
will have a quick cup of tea and then start my ride again. टाइम चेक 12:30, हुबली से टर्न लिया गोकर्णा के लिए और रोड्स आर रियली बैड. लास्ट 15 किलोमीटर्स इट्स बीन हॉरिबल. इतना टायर्ड तो मैं शायद मुंबई से हुबली तक राइड करके भी नहीं हुआ जितना ये लास्ट 15-20 किलोमीटर में हो गया. द बाइक इज़ परफॉर्मिंग रियली ग्रेट अभी तक, नो इश्यूज. जस्ट स्टॉप टू हाइड्रेट माई सेल्फ, थोड़ा सा नारियल पानी. अब यहाँ से निकलेंगे अराउंड 120 मोर किलोमीटर्स. गूगल माता इज शोइंग अराउंड 2.5 आवर्स मोर. सो फार सो गुड. सो मिलते हैं आगे वापस रोड पे नारियल पानी पीने के बाद. Of riding, really so exhausted. I just checked into my hotel and got fresh, took bath and just sitting outside, and then I would need some sleep now because it was close to about 13 hours of intense riding, and last 2-3 hours was not that great. The road was not too good to ride. So we'll catch up some sleep so that I'm fresh tomorrow. And kal subah post breakfast I will start going around Gokarna and also try to cover Murdeshwar probably tomorrow or day after. The beautiful sunset at Om Beach. Just look at the view, guys. It's amazing. पैराडाइज बीच, बहुत मुश्किल से एक बोट मिला, आपने देखा रहेगा व्यू, अमेजिंग था यार राइड. द बेस्ट पार्ट इज बोट पूरा खाली है, सिर्फ मैं हूँ बोट में. एंड बहुत ही सारा बातचीत करना पड़ा और रेट्स कम करने पड़े बिकॉज दे स्टार्टेड फ्रॉम 3000 रुपीज़ एक सिंगल बोट के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होगा मेरे लिए. बट फाइनली रेट्स कम हुआ एंड 750 तक मैंने एग्री करके लिया. और मैंने सोचा जब यहाँ तक आया हूँ तो लेट्स नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी. अब 750 से और कम डिफ़िकल्ट था तो सोचा चलो कर ले. सो दिस इज़ हाउ द पैराडाइज बीच लुक्स, फुली डेजर्टेड. यहाँ कोई नहीं आता, ट्रैकिंग करके अगर कोई आ गया तो आ गया 4-5 लोग. बाइक्स रोड से कोई एक्सेसिबल नहीं है, आइदर बोट और थ्रू ट्रैकिंग. नाउ पोस्ट पैराडाइज बीच अब जा रहे हैं लाइट हाउस देखने. अब लाइट हाउस देखेंगे और लाइट हाउस से फिर वापस राइड होगा ओम बीच के लिए. लुक एट द व्यू बिहाइंड द पैराडाइज बीच.
अभी ना बोट कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था इसलिए मैं बैठ गया। मैं बोला कहीं कैमरा के साथ बाहर ना चला जाऊँ, बोला बैठ के शूट करता हूँ। पता चला अभी समझ रहे हो ना, नया नया कैमरा है, पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ और पानी हो गया। जैसे मेरा ड्रोन पहली बार उड़ाया था और आज तक उसके बाद कभी उड़ा ही नहीं वो। सो एंजॉय द व्यू।